आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, खबर निकल के आ रही है विजयवाड़ा से, जहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे लाभार्थियों ने रविवार को राज्य भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू की गई हड़ताल को समर्थन दिया है। हम बता दें कि पिछले 5 दिन से जो भी लाभार्थी महिला हैं, बालक हैं, वो लाभ नहीं पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों से किसी भी प्रकार का पोषण आहार, पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल रहा, न THR मिल रहा है। लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो हड़ताल शुरू की है अपने मानदेय को लेकर, कि उस मानदेय को 11,500 से 26,000 रुपए किया जाए मानदेय, तो उसमें जो लाभार्थी हैं वह भी समर्थन में वो कह रहे हैं कि हमको पोषण आहार या THR नहीं चाहिए जब तक कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। वेतन बढ़ोतरी के मांग को लेकर 55,605 केंद्रों के कर्मचारी 12 दिसंबर से ही हड़ताल पे हैं। बहनों, हम आपको बता दें कि आज 20 दिसंबर हो चुकी है, पिछले 8 दिन हो चुके हैं जितने में 55,605 आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित हैं बिना कार्यकर्ता सहायिका के। लाभुकों ने सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रही आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल का जवाब देने की मांग की है। यानी कि लाभार्थियों ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 26,000 रुपये आप कब कर रहे हैं। इसी बीच सरकार से खराब प्रतिक्रिया के बाद आंगनबाड़ी संघ ने सोमवार से हड़ताल तेज करने का फैसला किया है। अब हम बहनों बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो 4th दिन में हड़ताल प्रवेश कर गई थी, उसकी भी एक खबर है कि क्या क्या मांगे थी वहां पे। विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन वृद्धि करने और ग्रेचुटी प्रावधान सहित अपनी मांगों को लेके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पे राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को ग्राम और वार्ड सचिवालयों के कर्मचारियों को सौंपने का आदेश दे दिया है। अब सोच सकती हैं कि जितने भी ग्राम और सचिवालय हैं उनको सरकार ने यह आदेश दिया है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांग पे अड़ी हैं, वो आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं जाना चाहती हैं, तो आप लोग जो कर्मचारी हैं ग्राम और वार्ड सचिवालय के, इन लोगों को बोला कि आप लोग आंगनबाड़ी केंद्रों पे कब्जा करिए, आप लोग उसका संचालन कीजिए। कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने केंद्र पर ताला जड़ के रखा था, वो ये कहते हुए कि 26,000 रुपये मासिक वेतन की मांग कर रही हैं, कि श्रमिकों के लिए मात्र 11,500 रुपये मानदेय और सहायिकाओं के लिए 7,000 रुपये जो मौजूदा भुगतान है इस महंगाई में वह अपर्याप्त है। बहनों, आप खुद बताइए कि मात्र 11,500 रुपये का जो मानदेय है इस महंगाई में उससे क्या होता है, और जो मात्र 7,000 रुपये का मानदेय सहायिका बहनों का है तो इतनी महंगाई में इससे क्या होगा, जिसके लिए सीधा सीधा सरकार से मांग अब 26,000 रुपये की चढ़ी है। और इससे पहले कि केंद्रों को दूसरे विभागों के कब्जे में दिया जाए, सरकार को मांग मान ली जानी चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पे राज्य और ग्राम के जो विभाग वालों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को कब्जे में लिए हैं, वहां पे किसी के भी माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी उनके दम पे नहीं भेज रहे हैं, उनके डर के कारण ही नहीं भेज रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता बहनें आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलाएंगी तो हम अपने बच्चों को वहां पे नहीं भेजेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर चर्चा के बावजूद उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज करने और ग्रेचुटी और वेतन वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने में विफल करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन की वृद्धि होनी चाहिए और ग्रेचुटी पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हक है। इसके बावजूद जो है कि राज्य सरकार ने ना ही ग्रेचुटी दी है कार्यकर्ता बहनों को और ना ही उनके वेतन की वृद्धि की है। हम बता दें कि जिले में 30% से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र बहनों बिना बिजली के हैं। जी हां, नागपुर में 30% आंगनबाड़ियों में बिजली की कमी है। राज्य सरकार मानती है कि मंत्री ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के आदेश दिए हैं। अलमारी, गैस कनेक्शन और फिल्टर्ड पानी के लिए धन आवंटित किया गया है। महिला एवं बाल सशक्तिकरण योजना के तहत 412 आंगनबाड़ियों का निर्माण भी इसमें होना है। सरकार निर्माण पे निर्माण कराए जा रही आंगनबाड़ी केंद्रों का, लेकिन बहनों का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा रही है।
तो आखिर 26,000 मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का कब होगा और उनकी यह हड़ताल कब तक में रंग लाती है, यह भी हम बहनों देखेंगे। आज 8 दिन तो हो चुके हैं, अब देखना यह है कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलती है। तो बहनों, इस समाचार से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तथा व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे बहनों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।